हेलो कुकोहॉलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ छोला भटूरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट भटूरा और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पॉपुलर है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और ये इंस्टेंट भटूरा बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ये देखिए, ये मैंने GM फूड्स का भटूरा मिक्स लिया है। इसमें बेकिंग सोडा, शुगर, सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका मिक्सचर लेना है, उसको मलना है, उसको गूंथना है। ये देखिए मैंने 1.5 कप इसका GM फूड्स का मिक्सचर ले लिया था, भटूरा मिक्स। और उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था, थोड़ा सा 1 TSP ऑयल डाल दिया था। और मैंने थोड़े से कुछ हरे धनिए के पत्ते डाले थे और आधा छोटा चम्मच उससे भी कम अजवाइन डाल दी थी। और ये मैंने भून के रख लिया था। आप इसको 2 घंटे तक भून के रखें या अगर उससे कम भी रखें तो चलेगा। ये देखिए मैंने ये भून के रख लिया है अभी थोड़ी देर पहले। और चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है। और ये छोला भटूरा तो सभी का फेवरेट है, मेरे यहाँ पे सभी का फेवरेट है। और ये जो इंस्टेंट मिक्स लिया है ये बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए मेरे बच्चे पीछे से मेरा पैरेंट बोल रहा है, उसको लगता है खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी, वो भी इंजॉय कर रहा है। तो आप भी मेरी रेसिपी, मेरा ये वीडियो ज़रूर इंजॉय कीजिए और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए ये देखिए हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। मैंने ये देखिए थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा भी लिया हुआ है पेड़ों में लगाने के लिए। इसको थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे और अब इसको आप अपने मनपसंद किसी भी साइज में बेल सकते हैं। छोटा साइज भी यूज कर सकते हैं, बड़े साइज में भी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है लोई छोटी है, पेड़े छोटे हैं, तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने इसमें लगाया। बड़े आराम से बिल जाता। भटूरा बनाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ना ज़्यादा बहुत ही पतले बनने चाहिए और ना बहुत ही ज़्यादा मोटे बनने चाहिए। ये देखिए अब हम इसको डाल देंगे और इसको साइड में ही डालें, साइड से ही डालें। और ये देखिए इसको हॉट मीडियम ऑयल पे हम इसे तलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा फुलकर आया है। ये देखिए कितना सुंदर, मेरे बड़ी मेरे पैरेट को भी इसकी खुशबू आ गई है। गाइस ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए ये हमारा गर्मा गर्म छोला भटूरा। देखिए इसी तरह हम एक और बना लेंगे।
बहुत ही इससे आप इससे बहुत आराम से बहुत आसानी से भटूरा बना सकते हैं। देखिए इसमें आपको इस जीएम फूड के भटूरा मिक्स में आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ना ही बेकिंग सोडा, ना ही शुगर, ना ही सॉल्ट और ना ही आपको इसमें यीस्ट डालने की नीड है। ये इसके अंदर एक मिक्सचर पैकेट भी मिलता है, आपको बस इसके पूरे पेस्ट को निकालना है, उसमें जो एक छोटा पैकेट मिलता है उसमें डाल के और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के गूंथ लेना है, जैसे आप सिंपल मैदा मलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नीचे डस्ट कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे भतीजे बन के तैयार होने कितने अच्छे फूले हैं और कितने अच्छे बने हैं। हमारे भटूरे छोले भटूरे बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम सारे भटूरे पे बना लेंगे। गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक के लिए मैं फिर आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।